चूंकि अपन ने बात ये कही है कि स्वर्ग में जितने भी हैं सारे देवता हैं, हम हमेशा कहते हैं कि इस गेट के अंदर वही आएगा। लोग हंसते भी हैं कि गेट तो लगा नहीं है, हमेशा हम कहते हैं कि इस गेट के अंदर वही आएगा जिसके अंदर देवत्व की कहीं ना कहीं जो है क्वालिटी हो। बाकी यहाँ कोई आएगा ही नहीं, पता नहीं क्यों हृदय से आवाज आती है, यहाँ देवता ही आते हैं, बाकी कोई आ ही नहीं सकते। और हमारे बच्चों को भी इस बात के लिए गौरवान्वित होना चाहिए, इनके माता पिता को। और हम तो गौरवान्वित इसलिए हैं क्योंकि हमें पूरा भरोसा है आप बहुत सकारात्मक हैं, बहुत पवित्र हैं, इसलिए आप स्वर्ग तक जीवित रहते पहुंच गए। लोग कहते हैं ना कि बगैर मरे स्वर्ग नहीं मिलता, हम कहते हैं आप इस स्थान पर पहुंच गए, आपने स्वर्ग को कल्पनातीत ही समझिए, लेकिन आप उस स्वर्ग की तो सिर्फ आपको कल्पना कर सकते हैं ना, यहाँ पर आप उपस्थित होकर के देख सकते हैं कि वास्तव में जिस स्वर्ग होता तो कैसा होता। हम बहुत बड़ी बहुत सारी बिल्डिंगें बना लें, ठीक है, बहुत सारे मेवा स्थान बांट दें, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर छल कपट हो, हर व्यक्ति के अंदर द्वेष हो, अहंकार हो, पाखंड हो, तो सारा स्वर्ग बेकार। इसलिए आप चार लोग हैं, मेरे लिए आप लोग 400 करोड़ के बराबर हैं। और बस परमात्मा आप लोगों को खूब ऊर्जावान बनाए रखे, आप लोगों के द्वारा इन बच्चों को ढेर सारी ऊर्जा मिले। क्योंकि वो कहीं एक गीत सुना था बड़ा अच्छा कि मैं रहूं या ना रहूं मेरा देश रहना चाहिए। तो मैं बस ये कहता हूं कि हम लोग रहें ना रहें, ये स्वर्ग रहना चाहिए, ये स्वर्ग रहना चाहिए। बोले धरती माता की जय, भद्रकाली माता की जय, यहाँ पर उपस्थित पवित्र जनों की जय।